हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक एडम की पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। अब ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ना, ये 2-3 दिन पहले ही लीक हो गया था। दुनिया जो है इस मूवी को कल देखने वाली है, 21 अक्टूबर को देखने वाली है, बट हम इंडियंस के लिए 20 अक्टूबर को ये रिलीज हो चुकी है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद में आया हूं मैं और मेरे थॉट्स है कुछ इस मूवी पे, मतलब कुछ बातें जो कहना चाहता हूं मैं। पहला, मुझे लग रहा था कि रॉक की जो मूवी होने वाली है ना, ये एक एवरेज मूवी होने वाली है, मतलब मैं ज्यादा उम्मीद नहीं थी मेरे को इस मूवी से। बट ऑनेस्टली बताऊं, रॉक की बहुत टाइम से मैंने कोई अच्छी मूवी नहीं देखी और एज अ सुपर हीरो, एज अ ब्लैक एडम, सुपर हीरो नहीं, एज अ विजिलेंटी हम बोलेंगे, चलो एज अ विजिलेंटी ब्लैक एडम बहुत ही मस्त मूवी है। रॉक ने कई बार कहा है द हायरार्की ऑफ द डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स इज अबाउट टू चेंज, वो कब होगा ये तो मैं नहीं पता, बट हाँ इस पूरे जॉनर के अंदर ना, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जो डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स उन्होंने बनाया है ना, उस यूनिवर्स के अंदर अब हमारे थैथ एडम यानी कि ब्लैक एडम की एंट्री हो चुकी है। तो 10 साल से ड्वेन जॉनसन जो है इस मूवी के ऊपर काम कर रहे थे और मैं अगर रेटिंग की बात करूं तो अपने स्पॉइलर फ्री रिव्यू जो कि अभी मैं कर रहा हूं और अभी पोस्ट क्रेडिट सीन की बात भी हम करेंगे उसमें स्पॉइलर्स होंगे, तो अगर स्पॉइलर फ्री रिव्यू की हम बात करें तो मैं कहूंगा कि मैं इसको 5 में से दूंगा 4 और 10 में से दूंगा 8। तो आप ये समझ जाना कि इस मूवी को कैसे जज कर रहे हैं। हालांकि अगर आप ये मान के चल रहे हो कि ये मूवी जो है वो मार्वल की मूवी की तरह ही होने वाली है जहां पर सब कुछ कनेक्टेड होता है और सारी चीजें हम ऑलरेडी पता है कि कैसे क्या होने वाली है, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी मूवी देखी होगी, अगर देखी भी है तो अच्छी बात है, लेकिन इस मूवी को 80-90% से ज्यादा आप नहीं जज कर पाओगे। मतलब आप जब बैठोगे सीट पर तो आप देखोगे कि यार हाँ कुछ हो रहा है, मूवी अच्छी है, ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ऑब्वियसली मूवी डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड है और कैसे है ये मैं बताने वाला हूँ, बट ये आप मान के चले कि इसके अंदर ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब एज इंडिविजुअल अगर हम देखें तो ब्लैक एडम वॉज अ फैंटास्टिक मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ड्वेन द रॉक जॉनसन 10 साल से कोशिश कर रहे हैं ब्लैक एडम मूवी को बनाने के लिए और फाइनली ही हैज He has achieved his goal. तो ये बात बहुत अच्छी है। अब हम बात करते हैं जो इस मूवी का मेन पार्ट था वो था इसका पोस्ट क्रेडिट सीन। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या होता है, थोड़ा अब यहाँ पे स्पॉयलर्स आने वाले हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो बाद में देख लेना इस वीडियो के पार्ट को। बट मुझे पता है कि काफी लोगों ने, मतलब 50% लोगों ने तो ऑलरेडी जो स्पॉयलर वाला पोस्ट क्रेडिट सीन था यूट्यूब पे वीडियो था वो देख लिया था, तो एक बार उसका एक्सप्लेन करते हैं उसमें हुआ क्या है। हम देखते हैं जो एडम है ना, ब्लैक एडम, वो अपनी लेयर के अंदर बैठा है और वहां पर जो है एक ड्रोन आता है। वहां पर जब ड्रोन आता है तब वहां पर जो है उस ड्रोन में से बोलती है अमांडा वॉलर। सुसाइड स्क्वाड में भी आपने देखी थी, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और आई थिंक जस्टिस लीग में भी देखी होगी आपने उसको, तो वो उसकी आवाज आती है और बोलती है हेलो माय नेम इज अमांडा वॉलर और मुझे पता है कि तुम अपने प्रिजन में रहना नहीं चाहते, तो कांदर जो है जहां पर तुम हो वहां से अगर तुम बाहर निकलोगे तो वहां पर तुम मारे जाओगे, तो यही तुम्हारा प्रिजन है, यहाँ से बाहर कहीं मत जाना। तो ब्लैक एडम कहता है कि कोई नहीं है इस दुनिया में जो कि मुझे रोक पाए। ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर रीचेस ने प्रूव करते हैं इसको रोक नहीं सकता, तो अमांडा वॉलर बोलती है जरूरी नहीं है इस दुनिया में से किसी को बुलाओ, मेरे पास और भी लोग हैं इस दुनिया के परे जो कि तुम्हें रोक सकते हैं। तो ब्लैक एडम बोलता है कि जितने भी हैं उन सबको भेज दो, सेंड देम ऑल। उसके बाद अमांडा वॉलर कहती है ओके एज यू विश। उसके बाद ब्लैक एडम जो अपनी पावर से उस ड्रोन को जो है वो तोड़ देता है, मतलब वो बिजली मारता है और धुआं धुआं कर देता है। जैसे ही वो धुआं छटता है ना तो उसके अंदर से निकलता है सुपरमैन। जी हाँ, सुपरमैन, और सुपरमैन का प्ले कर रहे हैं हेनरी कैविल। तो हेनरी कैविल बोलता है कि काफी टाइम से कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसने वर्ल्ड को इतना नर्वस फील कराया हो। हेलो ब्लैक एडम, हमें बात करने की जरूरत है, वी नीड टू टॉक। ब्लैक एडम जो है वो स्माइल करता है और कहानी वहां पे खत्म हो जाती है। और हाँ, हांस जिमर की मैन ऑफ स्टील वाली थीम भी आपको सुनने को मिलती है। तो दो तीन चीजें मैं डिस्कस करते हैं। पहला, सुपरमैन का लुक जो है वो ब्लू एंड जो रेड वाला सूट है वो ही वाला है। दूसरा, उसके बाल मुझे ऐसे लगे कि उसने कर्ल वाला जो आइकॉनिक जो सुपरमैन का लुक होता है वो भी लगा मुझे, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। अब कुछ क्वेश्चंस है मुझे इस पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला तो ये है कि क्या अब सुपरमैन इतनी इतनी बुरी हालत में है कि उसको अमांडा वॉलर की सुननी पड़ रही है, ऐसा क्यों है? दूसरा ये कि वो उसके लिए काम क्यों करेगा, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जो सुपरमैन है वो अमांडा वॉलर के लिए काम कर रहा है? आई हैव नो आइडिया। मतलब अभी तक कितनी मूवीज में देखी है डीसी की, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया है जहां पर हमें पता हो कि भाई सुपरमैन जो है किसी और के लिए काम कर सकता है, तो आई हैव नो आइडिया। अब अगर अमांडा वॉलर की बात करें तो अमांडा वॉलर इतनी भी अच्छी नहीं है, मतलब हाँ मैंने बोला उसको निक फ्यूरी, लेकिन निक फ्यूरी एटलीस्ट एक अच्छा बंदा तो है। अमांडा वॉलर मुझे पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती, उसके लिए सुपरमैन काम क्यों करेगा? हाँ, मैं जानता हूं कि 2017 की कॉन्टिन्यूटी से अगर देखा जाए तो, मतलब 2017 वाली जस्टिस लीग स्नाइडर कट वाली कॉन्टिन्यूटी से देखा जाए तो, उसके बाद सुपरमैन ने क्या किया, कहां गया, क्या हुआ उसके साथ हमें नहीं पता। बट क्या उसके इतने बुरे दिन आ गए कि वो अमांडा वॉलर की बात सुनेगा? तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई।
दूसरी चीज ये, क्या वो तैयारी बैठा था इस काम के लिए? क्योंकि अमांडा वॉलर को ये बात पता थी कि जो थर्ड एडम यानी कि ब्लैक एडम उसकी बात नहीं मानने वाला, तो वो तैयार था क्या उससे लड़ने के लिए? और अगर लड़ने के लिए तैयार था तो एंड के अंदर फाइट क्यों नहीं होती है, वो बात करने क्यों आया है? ऐसा क्या मिशन है थर्ड एडम का और हमारे सुपरमैन का जो कोई साथ में करना चाहते हैं, और सुपरमैन बोल रहे कि वी नीड टू टॉक, तो किस बारे में ये बात करना चाहते हैं हमें नहीं पता। कुछ स्पेकुलेशन अगर हम करें तो ड्वेन द रॉक जॉनसन ने ऑलरेडी कह दिया है कि अब जो है फ्यूचर के अंदर मैं एक सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम भी बनाना चाहता हूँ, सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम भी। मेरे को डाउट्स है इसके ऊपर। पहला, मैंने ऑलरेडी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देख रखी है, तो सेम फॉर्मूला तो डीसी वाले फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, डीसी वाले ये कर सकते हैं कि ब्लैक एडम को एक बड़े विलन की तरह दिखा सकते हैं और यहाँ पर इस कहानी को इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है। डाउट ये है कि अगर वो एक बड़ा विलन है तो उसको एज अ एंटी हीरो क्यों हमें दिखाया जा रहा है, मतलब why do we need a movie on it? और ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, यही पोस्ट क्रेडिट सीन था। और हाँ, लगभग इतने सालों बाद फाइनली मतलब हेनरी कैविल के सुपरमैन को देखकर दिल को इतना सुकून आया, इतना अच्छा लगा कि हाँ भाई, उसने बंदे ने जो उसका केप था ना वो रखा नहीं है। मतलब कई बार हेनरी कैविल ने बोला है कि केप मेरे क्लोजेट के अंदर ही, मुझे जैसे ही फोन आएगा मैं चला जाऊंगा। पीसमेकर के अंदर आपको पता ही उनका कैमियो कैसा था, शनान के अंदर आपको पता ही उनका कैमियो कैसा था, तो उम्मीद तो नहीं थी डीसी वालों से कि वो कुछ ऐसा करने वाले हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से हुआ है, वो है रॉक। अगर रॉक नहीं इंसिस्ट करते ना डीसी वालों और जो उनके नए एग्जीक्यूटिव आए हैं, अगर उनके सही से नहीं लेते ना, तो शायद हमें मैन ऑफ स्टील के बाद सुपरमैन की कोई भी कहानी कहीं पर भी जाती हुई देखने को नहीं मिल सकती थी। अब ये रूमर भी है कि मैन ऑफ स्टील 2 बन रही है, तो इस सब के लिए हम रॉक को थैंक यू बोलेंगे। और मैं एंड में यही कहूंगा कि हाँ, मूवी बहुत अच्छी थी, पोस्ट क्रेडिट सीन वाज फैंटास्टिक, अगेन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैन ऑफ स्टील की थीम भी सुनने को मिलती है एंड में थोड़ी सी। ये जो डाउट्स है मेरे मन में, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अब इनका जो कंक्लूजन है वो हमें कब देखने को मिलेगा, इन डाउट्स के आंसर कब देखने को मिलेंगे, ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि फ्यूचर क्या होने वाला है डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का, हमें ऑनेस्टली नहीं पता है। हमें तो छोड़ो, डीसी वालों को नहीं पता है। अगर उन्होंने ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन की मूवी टीज कर दी है, तो उसका अब ये फ्रुएशन कब करेंगे, कंक्लूजन कब निकालेंगे? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद? अगेन टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। तो हाँ, मैं वेट करने की जरूरत है। ब्लैक एडम वॉज अ वेरी गुड मूवी, आई एंजॉयड इट, और इसलिए बोलता हूँ फर्स्ट फर्स्ट शो देखा करो, क्योंकि स्पॉयलर्स फिर आने लग जाते हैं, तो या स्पॉयलर्स को अवॉइड करने के लिए ये चीज अच्छी है। दो तीन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर फेट बहुत बढ़िया लगा, उसका सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहूंगा कि पियर्स ब्रॉसनन थोड़ी ज्यादा ओल्ड लगे मुझे इस रोल के लिए, बट जो भी है अब तो यही है मतलब, लेकिन ठीक है, अच्छा लगा मुझे। हॉकमैन बहुत अच्छा, आल्डिस हॉज आई गेस प्ले कर रहे हैं उनको, अच्छा रोल था, बहुत ही मस्त लगा मेरे को। और या ऑब्वियसली ड्वेन द रॉक जॉनसन यानी कि ब्लैक एडम, थर्ड एडम के रोल में वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मतलब मुझे लगता है कि ब्लैक एडम के लिए तो उनसे अच्छी कास्टिंग कोई हो नहीं सकती। ही वॉज ट्रू टू हिज रोल, मतलब उनको पता था कि अगर मैं ब्लैक एडम प्ले करूंगा ना, तो ऐसा प्ले करना है मुझे जो थोड़ा सा खतरनाक लगे, लेकिन या अच्छा था, मतलब बुरा नहीं था, बट बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत पसंद है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।